हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म जीरो का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ। आते ही इस ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर बड़ा धमाका किया। वहीं हाल ही में शाहरुख खान ने सबसे बड़ी फिल्म जीरो पर चोरी का आरोप लग चुका है। चोरी का यह आरोप है कि जीरो के पोस्टर पर लगा है। ये पोस्टर फिल्म से पहले रिलीज किए गए थे। ये पोस्टर जानी मानी फॉरन फिल्मों के पोस्टर से लिए गए हैं। सोशल मीडिया पर असली फिल्मों के पोस्टर जीरो के साथ वायरल हो रहे हैं और दोनों ही कुछ ज्यादा अंतर मालूम नहीं पड़ रहा। जीरो के एक पोस्टर में लंबी कैटरीना कैफ और बोनी का किरदार निभा रहे शाहरुख खान को किस करती नजर आ रही है। वही एक पोस्टर के अंदर बेल्जियम की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अनहोम लाहौर से चोरी करने का आरोप लगा है। इस पोस्टर में भी एक्ट्रेस ने रेड ड्रेस और हील्स पहन रखे हैं और एक्टर की हाइट छोटी है। दोनों ही सेम पोजीशन में खड़े नजर आ रहे हैं। बता दें कि कल ही जीरो के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद जो शानदार पोस्टर रिलीज किए गए, एक में शाहरुख खान कैटरीना के साथ और दूसरे में अनुष्का के साथ दिखाई दिए। अब इसके बाद एक और पोस्टर के ऊपर उनके जो है आपत्ति जता दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये पोस्टर है जिसके अंदर शाहरुख खान एक माला और गले में कृपाण लेकर खड़े हैं। अभी जो गुरुद्वारा समुदाय है उन्होंने शाहरुख खान के ऊपर केस दर्ज कराया है और कहा है कि ये जो कृपाण पहनने का तरीका है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये कृपाण का अपमान है और इसका जो है फिल्म से हटाया जाना चाहिए। दोस्तों दोनों ही पोस्टर्स अब जो है विवादों में आ चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है शाहरुख खान की इस फिल्म के बारे में, आप हमें कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहे हमारे साथ क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।